अलहमद ला वसला तोलामर रसुल्बाद आज का मौजू है कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए देखिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए जबकि ये बात गलत है कुरान की किसी भी आयत में या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस में ये वारिद नहीं है कि कुर्बानी के जानवर में कोई भी ऐब नहीं होना चाहिए ये बात अच्छी तरह से समझ लें ये बात कहीं कुरान और हदीस में नहीं आई हुई है कि कुरबानी के जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए बल्कि हदीस में क्या है हदीस में यह है कि कर्बानी के जानवर में फला फला ऐब नहीं होना चाहिए यानी कुछ खास अयूब हैं उनको मेंशन करके बताया गया है कि कुरबानी के जानवर में ये अयूब नहीं होने चाहिए उनके अलावा अगर कोई और ऐब है तो वो क़ुरबानी से माने नहीं होगा तो ये अच्छी तरह समझ लें दोनों चीजों का फर्क समझ लें सहाबी रसूल बराबिन आजिम इस हदीस के रावी हैं फरमाते हैं कि नबी सरमायान इन्होंने आगे वजात भी किया कि आप ने बाकायदा ऐसे हाथ उठा के चार उगलियाँ उठा के समझाया था कहा था कि चार चारूब ऐसे हैं कि लजुज फिलही कुर्बानी के जानवर में वो अयूब नहीं होने चाहिए वो अयुब होंगे तो जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है वो चारों क्या है कहते हैं फकाल आप सल्लाह फरमाया अल पहला ऐब कि जानवर काना हो उसकी आंखों में खराबी हो और ऐसी खराबी बेन और उसकी आंखों की खराबी बाकायदा दिख रही हो यानी एक आम आदमी उस पर निगाह डाले तो उसको समझ में आ जाए दिख जाए कि इसकी आंखें खराब है यानी बाकायदा उसको डॉक्टर से चेक कराने की जरूरत नहीं है चेकअप कराने की जरूरत नहीं जाहिर ऐब होना चाहिए यानी आपको दिखे कि इसकी आंखें खराब है अंदर से उसकी आंखों में कोई मसला तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हमें सिर्फ इतना मुकल्लफ किया गया है कि हम उसको देखें अगर दिखने में ऐब नजर आ रहा है उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी और अगर दिखने में उनकी आंखें सलामत हैं तो कोई मसला नहीं है तो पहला ऐब जो जानवर में नहीं होना चाहिए कि उसकी आंखें खराब नहीं होनी चाहिए दूसरा आगे है वल मारा आप ने आगे फरमाया कि जानवर ऐसा बीमार नहीं होना चाहिए कि उसकी बीमारी बिल्कुल जाहिर हो यानी आप जानवर को देख के समझ जाए कि बीमार है भाई अंदर से कोई बीमारी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हमें उसका मुकलफ नहीं किया गया है कि हम जानवर को ले जाके सिटी स्कैन कराएं पता कराएं कोई बीमारी है कि नहीं बिल्कुल नहीं ऊपर से अगर हम देख रहे हैं और वो बीमार नहीं दिख रहा है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है और अगर बीमार दिखा तो ये दूसरा ऐब है जो कुर्बानी से माने है उसकी कुर्बानी आप नहीं कर सकते आगे है आप सल्लल्लाहु सल्ला फरमाया तीसरा ऐब वल अरजा कि जानवर इस तरह लंगड़ा हो कि उसका लंगड़ापन जाहिर हो यानी उसके पाओ में खराबी हो उसके पैर टूटे हों खराब हों कुछ भी डैमेज हो कुछ भी मसला उसके पैर में और दिखने से बाकायदा साफ नजर आ रहा हो कि इसके पांव खराब हैं, तो यह भी एक ऐसा ऐप है कि जिस जानवर में होगा उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी ये भी जाहिर अंदर से कोई पैर में खराबी है तो कोई मसला नहीं है बज़ाहिर कोई खराबी नहीं दिखनी चाहिए आगे है चौथा ऐब इतना दुबला पतला हो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो उसमें गोश्त कुछ हो ही ना बहुत ही लागर बहुत ही कमजोर हो कोई आदमी देखे बोले तो हड्डियों का ढांचा है तो ऐसे जानवरों की भी कुर्बानी नहीं होगी ये सिर्फ चार अयूब ऐसे हैं कि वो अगर जानवरों में पाए गए तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती है इन चार अयूब के अलावा कोई और ऐब है जानवर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक बात और वाजी कर दूं कि एक रवायत अली रजीलाउन से मरवी है उसमें यह है कि ससन ने हमको हुक्म दिया है कि हम जानवर की आंख चेक कर लें और उसके कान चेक कर लें कान भी चेक कर लें तो इसमें आंख तो वही है जो इन चारों में से एक आ गया उसमें एक इजाफा है कान का तो याद रहे कि यह रवायत मुख्तलफ ही है यानी इस रवायत को सारे उलमा सही नहीं समझते ये रवायत जयफ है और जो सही समझते भी हैं वह कहते हैं कि ये एक इस्तेहबाबी हुक्म है ये लाजमी हुक्म नहीं है बहरहाल ये रवायत सही नहीं है इसलिए सही बात यह है कि जो चार अयूब हैं जो हदीस में गिनाए गए उन्हीं पर आपको नजर रखनी उन्हीं का ध्यान देना है उसके अलावा कोई और ऐब हो उसकी सींग टूटी है यह मसला है यह मसला है इन सब चीज़ों से जानवर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं एक और चीज़ वाजे रहे वो ये कि सही मुस्लिम की हदीस हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ तिरसठ उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल ने कहा कि ला इल्ला तसबहमसन्ना कि सिर्फ उसी जानवर की कुर्बानी करना जो दांता हो तो ये भी एक जरूरी है जानवर में कि दांता होना चाहिए लेकिन अगर जानवर दाता नहीं है तो वो अब नहीं है इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ चार ही अयुब है और आपसे सबने बाकायदा अरबाउन ये लफ्ज इस्तेमाल किया अरबाउन चार का लफ्ज इस्तेमाल किया और चार उंगली उठा के बताई है आपने हसर के साथ कहा है कि सिर्फ चार अयुब है तो ये जो दाता वाला मसला है ना ये कोई पांचवा अयब नहीं है बल्कि एक खसूसियत है उसकी इसको अब नहीं कहते हैं। अगर कोई जानवर दांत नहीं तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो ऐब है ये कहेंगे कि उसकी कुर्बानी नहीं होगी लेकिन उस पर अब नहीं लगाएंगे जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके दांत नहीं होते और कुछ मुद्दत गुजरने के बाद उसके दांत आते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि ये बच्चा ऐब पैदा हुआ है इसके अंदर दांत ही नहीं अरे अभी उसके दांत का वक्त ही नहीं आया है वो आयब नहीं है वो फितरी चीज़ है नेचुरल है वो तो ऐसे जानवर अगर दाता नहीं है तो एक नेचुरल बात है फितरी बात है उसका वक्त अभी नहीं आए लेकिन उसको हम ऐब नहीं कहेंगे हाँ ये बात है कि आप ससुर ने ये पाबंदी लगाई है जानवर में कि वो दाता होना चाहिए तो आपको चार अयूब देखना है वो अयूब नहीं होना चाहिए और इसके साथ ये देखना है कि जानवर दाता होना चाहिए इतनी चीजें अगर आपने जानवर में देख लिया तो इंशाल्लाह ये जानवर कुर्बानी के लायक है कोई मसला नहीं इसके अलावा कोई भी ऐब हो तो वो ऐब गैर चीब कुछ लोग बहस करते हैं कि भाई वो ऐब नहीं है जैसे कुछ लोग करते हैं कि खसी जानवर का कुर्बानी करेंगे कि नहीं तो उस पर बहस करने लग जाते हैं ये तो एक ऐब हो गया दूसरा कहता है अरे भाई वो ऐब हो या ना उससे कोई मसला नहीं होब हो उसके अंदर आप उस ऐब को कुर्बानी से मान नहीं करार दिया सिर्फ चार अयुब बताए हैं जो कुर्बानी से माने इसके अलावा चाहे जितने अयुब हो कोई ये नहीं कह सकता कि उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते हाँ ये बात है कि अगर कोई आदमी ये समझता है कि हमारा जानवर बिल्कुल सही सालिम हो किसी तरह का ऐब ना हो साफ सुथरा हो तो अच्छी बात है लेकिन वो सब पर इसे मुसलत नहीं कर सकता अपने इस जौक को अपनी इस पसंद को सब पे मुसलत नहीं कर सकता है। कि भाई हर एक को ऐसे ही जानवर लेना नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है और जो गिनाए हैं और जो खसूसियात बताई हैं उन्हीं के हम पाबंद हैं और सब पाबंद हैं बाकी किसी का अपना जौक है अपनी मर्जी है अच्छी बात है लेकिन वो सब पर उसको मसलत नहीं कर सकता तो ये चंद बातें थी जानवर की अयूब से मुतलिक कि कुर्बानी के जानवर में कौन से ऐ पाए जाएंगे तो उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती अल्लाह से दुआ दुआकेला हम सबको किताबो सनत की रोशनी में हर अमल अनजान देने की तोफ़ी किताब आमीन आए आमीना रमीन